गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ शुभांकर, आप देख रहे मेरे साथ लाइफ टेल्स। और आज है डे टू पौंडीचेरी में। फिलहाल बज रहे सवेरे के 9:30 और मैं हूँ फिर से वाइट टाउन पौंडीचेरी में। फिलहाल निकल रहा हूँ मतलब ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, और उससे पहले थोड़ा ब्रेकफास्ट करना है। तो एक बहुत ही मज़ेदार कैफ़े है यहाँ पे, विच इज़ नोन फॉर द फ्रेंच ब्रेकफास्ट। तो हम उसी पे जा रहे हैं, इट्स अ वेरी ओल्ड फ्रेंच रेस्टोरेंट, तो फिलहाल वहीं पे जाते हैं। चलो आपको भी दिखाते हैं। तो दिस इज़ द फ्रंट विच इज़ कॉल्ड एज कैफे डेस आर्ट्स, इट्स वेरी फेमस। यहाँ पे लोग आके काफ़ी फ़ोटोज़ भी निकालते हैं। अच्छा, ये वाला लॉक है, हमें उधर से एंट्री लेना है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अब तानिया को हमें ढूंढना है, अंदर होगी मोस्टली। काफ़ी एस्थेटिकली डिज़ाइंड कैफ़े है। तो ये रही तानिया, ये एक पुराना घर है जिसको इन्होंने कैफ़े बनाया। जो लुक्स एंड फील है वो काफ़ी, क्या बोले, रस्टिक एंड एस्थेटिक है। काफ़ी मज़ा आया मुझे, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, एवरी हुक एंड कॉर्नर आर सो फोटोजेनिक। तो हमने जो ऑर्डर किया था उसमें से सवेरे का सबसे इम्पोर्टेंट डोज दैट इज़ कॉफ़ी आ चुका है। एंड ये कैफे ना मज़ा आ गया, एंड कॉफ़ी भी काफ़ी सही है। सो हमने मंगवाया था आज एग्स विद चीज़ एंड बेकन, और साथ में फ्रेंच टोस्ट, और उसी के साथ हमने मंगवाया कैरमलाइज्ड बनाना क्रेप्स। तो काफ़ी सही से इसका नाम जो भी लोगों ने रखा है कि मस्त गो प्लेस है, सच में मस्त गो है, काफ़ी मज़ा आया। फिलहाल तानिया तो अभी भी खाई जा रही है, और बस एक ही डिसअपॉइंटमेंट था कि मुझे जो कॉफ़ी मिली वो थोड़ा ठंडा था। तो वैसे चाय मुझे खौला के पीने का आदत है, तो वही एक दिक्कत है। रेस्ट ऑल इज़ गुड, फूड इज़ सुपर गुड। तो हमारा ब्रेकफास्ट करके हो चुका है, और ये वाला वर्ल्ड देखो काफ़ी मज़ेदार है। इस तरीके से आपको समझ में शायद ना आ रहा हो, तो इसके लिए मैं आपको क्लिपिंग्स जो है डाल दूँगा। तो ब्रेकफास्ट काफ़ी सही रहा, जैसे कि मैं आपको बताया, ये काफ़ी मज़ेदार जगह है बोथ फोटोज़ खींचने के लिए एंड फूड भी। तो फिलहाल अभी अपन अपने अपने काम के लिए निकल जाएंगे, और दोबारा आपसे मिलते हैं आज शाम को। तो अभी बज रहा है 5:30, और मैं आ चुका हूँ ऑरोविल बीच। ऑरोविल जो कि एक टाउनशिप या एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप एज दे कॉल इट है। तो आज तो ऑरोविल ऑफिस के चक्कर पे नहीं जा पाया, तो मैं आया हूँ ऑरोविल बीच। हवा के कारण से पता नहीं आप मेरी बात सुन पा रहे हो कि नहीं, बट कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे लोग फ्लाइंग सॉसर खेल रहे हैं, एंड मेरे पीछे काफ़ी मस्त समुंदर, क्या बोलते हैं उसको, किनारे से मिल रहा है। तो फिलहाल शाम हो चुकी है, और यहाँ पे आज क्लाउडी सा मौसम है। तो और यहाँ पे बीच जो है काफ़ी साफ सुथरे होते हैं, बट इन पे जैसे कि गोवा काफ़ी कमर्शलाइज्ड है, तो हर बीच पे आपको शैक्स और बाकी दुकान मिल जाएंगे, बट यहाँ के बीच पे आपको वैसा कुछ मिलता है नहीं। बस आप किनारे के तट पर आ सकते हो, लहरों की आवाज़ सुन सकते हो, और ये हवाओं के साथ जो ये सॉल्टी एयर है उसका आनंद ले सकते हो। और फिर खाने पीने के लिए आपको दोबारा उसी वाइट टाउन के गलियों पे जाना है। पौंडीचेरी में जो सबसे मुझे पसंद आया वो है कि ये शाम, आप दिन भर जो मर्जी कर लो, शाम होते ही सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। तो आप शाम को जैसे ही वापस आओगे, तो आप इन लहरों के आवाज़ों के साथ सन्नाटे में या शांति से दोस्त के साथ आके बैठ सकते हो, बातें कर सकते हो, या खुद ही में खुद समा सकते हो, क्योंकि काफ़ी मज़ेदार है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा वो है कि ये जो शहर है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कल्चर, क्योंकि
यहाँ पे आपको काफ़ी फॉरेनर्स भी दिखेंगे, या क्योंकि फ्रेंच कॉलोनी रह चुका है, यहाँ पे कल्चर जो है काफ़ी मिक्स है। ऑन वन पार्ट ऑफ द टाउन आर द तमिलियन, इंडियन तमिलियन पीपल और साउथ इंडियन पीपल, एंड ऑन द अदर हैंड आपको वाइट पीपल भी मिल जाएंगे। तो आप जब कैफेज पे जाओगे, ये जो डिस्टिंक्शन है काफ़ी एविडेंटली विजिबल है, तो काफ़ी मज़ा आता है। तो कल या आज सवेरे जहाँ पे मैं गया था रेस्टोरेंट पे, तो दैट इज़ 19th century बिल्डिंग, एंड पिछले 15 साल से तो फ्रेंच कपल जो थे वो चला रहे हैं उस रेस्टोरेंट को। खाना काफ़ी लजीज था और जो लुक एंड फील था वो भी काफ़ी मज़ेदार था, तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। आप लोग भी कमेंट पे बताना कि कैसे आपको कैसा लगा। वैसे ये सागड़ के पास आने से सबसे मेरे लिए जो दिक्कत है वो है कि बाल जो है ख़राब हो जाते हैं, बट एनीवेज बॉन्डी में वैसे नाइट लाइफ करके वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि है नहीं एज इन है क्लब्स एंड पब्स सब कुछ ही है, बट क्लब और पब तो हम जाते रहते तो वो मुझे नहीं जाना। बट अपार्ट फ्रॉम दैट रात को करने के लिए कोई एक्टिविटीज़ यहाँ पे उतनी खास है नहीं। एक है क्राफ्ट बाज़ार जिसमें हम जाएंगे आज। अभी जो बीच है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है ऑरोविल बीच, और कल हम गए हुए थे रात को रॉक बीच, उसको प्रोमिनेंट भी कहते हैं। तो आज फिर से शायद क्राफ्ट बाज़ार वहीं पे है, तो वहीं पे जाएंगे एक बार, आपको दिखाएंगे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक काफ़ी मस्त रहा है। तो चलो चलते हैं यहाँ से चाय पानी, क्योंकि 6 बजने को आया है, और आज सवेरे का लंच ब्रेकफास्ट थोड़ा हेवी था तो मैंने लंच किया नहीं है। अभी फ़िलहाल शाम के 5:30 बज चुके हैं और मुझे भूख भी लगा है, तो चलते हैं कुछ खा पी के आते हैं। हम बीच से आ चुके हैं और फिलहाल बज रहे हैं 6:30, तो हम फिर से आ गए हैं वाइट टाउन, और वहाँ से पैदल जा रहे हैं हेरिटेज टाउन की तरफ। तो फिलहाल एक कैफ़े में जा रहे हैं थोड़ा चाय पानी पीने, और आपको भी दिखाते हैं, उसके बाद आपको ले जाएंगे आज क्राफ्ट बाज़ार। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है आज का एक्सपीरियंस और आज का दिन। और ऑल्सो आपको मैं दिखाता हूँ ओल्ड फ्रेंच कॉलोनी शाम को कैसे होती है देखने में। काफ़ी छोटे गलियां हैं और मैंने दोनों तरफ जो घर हैं, दीज आर ओल्ड फ्रेंच आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे हमारे नॉर्मल इंडिया में जैसे लैम्प पोस्ट लगे रहते हैं या स्ट्रीट लाइट होता है, यहाँ पे लैम्प पोस्ट होता है, जो कि यूरोप एंड वो साइड में हमें ज़्यादा दिखने को मिलती है। तो मुझे लगता है तानिया यही बिल्डिंग होगा या आगे वाला होगा। हाँ श्योर, तो चलो चलते हैं। दिस इज कोरोमंडल कैफे, तो अपन इसी के अंदर फिलहाल जा रहे हैं। वाओ एम्बियंस तो ज़बरदस्त है। कुछ इस तरीके से मंगवाया है, थोड़ा हमारा कट गया है क्योंकि मैंने जो 150 रुपये का कॉफ़ी मंगाया था उसका साइज़ देखो ख़त्म कर दिया है। डबल एस्प्रेसो शॉर्ट था बट द कप साइज इज़ टू स्मॉल। इस कैफ़े का हमने काफ़ी नाम सुना था जिसके कारण से आए तो थे कॉफ़ी पीने, तो कॉफ़ी और तानिया ने मंगवाया था कुछ कुकम्बर मिंट, उसमें हम लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। उसके बाद हमने मंगवाया था कुछ प्रॉन क्रीमी प्लैटर, तो उसका टेस्ट फिलहाल के लिए ओके है, मतलब इट्स गुड एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस इज ओकेश फॉर मी। तो चलिए जाने का समय आ चुका, आपको दिखा भी देते हैं कुछ ऐसा दिखता है ये रेस्टोरेंट। तो वहाँ से निकल के हम आ चुके हैं अभी क्राफ्ट बाज़ार,
तो चलिए आपको भी दिखाते हैं पांडिचेरी में क्राफ्ट बाजार। तो कुछ ऐसा है नज़ारा क्राफ्ट बाजार का, कुछ ऐसा बना हुआ, और इन छोटे छोटे जगहों पे ये दुकान लगे हुए हैं। वैसे हमें कुछ ख़रीदना तो है नहीं, क्योंकि बैंगलोर में हम रहते हैं रेंटेड हाउस पे, तो कुछ खरीद के सामान बढ़ाने का कोई मतलब बनता नहीं है। बट एक बस फ्रिज मैग्नेट मुझे देखना है। मतलब नॉर्मल जो फ्ली मार्केट होता है वैसा वाइब नहीं आ रहा। तो हम आ चुके हैं वापस प्रोमनेड पे, क्योंकि जो हमारा क्राफ्ट बाज़ार था हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत ही बकवास था। बेसिक से बेसिक जो नॉर्मल हमारे कहीं पे भी जाओगे इंडिया में जो नॉर्मल फ्ली मार्केट होते हैं उतना भी इंटरेस्टिंग नहीं था, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेकार है। तो हम आ चुके थे उसी के पास में। पांडिचेरी काफ़ी छोटा एक शहर है, बट काफ़ी खूबसूरत भी है। क्योंकि छोटा है तो ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए, फिर भी इन 3 दिनों में और 2 दिनों में जितना हो पाया मैंने आपको खुल के दिखाया। पसंद आया रहेगा मेरा ये छोटा सा ब्लॉग, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।